हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था द्वादश पाठ, पाठ 12, सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष युष्मत। सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष युष्मत यानी तुम, है ना। आज हम इसके एक बार शब्दार्थ दोहराएंगे और फिर इसका अभ्यास करेंगे। निकालो शब्दार्थ। शब्दार्थ पठसी पढ़ते हो, पठतः पढ़ते हो, पठत पढ़ते हो, धावसी दौड़ते हो, धावतः दौड़ते हो, धावतः दौड़ते हो। सी जब आता है तब एक वचन, थ जब आता है तब द्विवचन, और थ आता है तब बहुवचन होता है। जैसे पतसी गिरते हो एक वचन, पठतः गिरते हो द्विवचन, त्व मैंने तुम एक वचन, युवा मैंने तुम द्विवचन, और युय मैंने तुम बहुवचन। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न, नीचे लिखी धातुओं के लट लकार वर्तमान काल के मध्यम पुरुष के रूप लिखिए। धातुएं कौन कौन सी है? क्रीड गम यानी गच्छ, हस स्था यानी तिष्ठ, लिख एक वचन। क्रीड का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्रीड क्रीडसी, क्रीडतः क्रीडत। गम का गच्छ, गच्छसी गच्छतः गच्छत। हस का हससी हसतः हसत। तिष्ठ का तिष्ठसी तिष्ठतः तिष्ठत। लिख का लिखसी लिखतः लिखत। अगला प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। गच्छसी त्वम गच्छसी, लिखत युयम लिखत, धावत युवा धावतः, पठति स पठति, चरन्ति ते चरन्ति, खादतः तौ खादतः। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी में अनुवाद कीजिए। स गच्छति वह जाता है, एषा पठति यह पढ़ता है, तौ धावतः वे दोनों दौड़ते हैं, ते खादन्ति वे सब खाते हैं, त्वं क्रीडसि तुम खेलते हो, युवां लिखतः तुम दोनों लिखते हो, युयं हसतः तुम सब हंसते हो। बच्चों, आपको इसके जो शब्दार्थ है वो अपनी फायर कॉपी में लिखना है और ये सारा वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है, है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।